नमस्कार दोस्तों, कोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार माह के बाद निद्रा योग से जागते हैं। आज यानी कि 4 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। इसके अगले दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। बता दें कि तुलसी विवाह कल यानी कि 5 नवंबर को है। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। ऐसे में तुलसी विवाह के दौरान तुलसी जी पर कुछ ज़रूरी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध ज़रूर अर्पित करें। बता दें कि दूध अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करें। इस दिन पीला धागा अर्पित करना शुभ माना जाता है। अपने शरीर के बराबर एक पीला धागा लें। तुलसी विवाह के समय उस पर 108 गांठे लगा दें। इस पीले धागे को तुलसी के पौधे के नीचे बांध दें, इससे मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। इसके अलावा इस दिन लाल धागा अर्पित करना भी बेहद शुभ माना गया है और इस दिन शाम के समय तुलसी पूजा के दौरान देसी घी का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।